नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जो वैश्विक और वित्तीय विषय में विश्लेषण करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। उनका नाम है संजय कोली। संजय जी, धन्यवाद, आप न्यूज क्लिक का दर्शक से आपका कीमती समय आपने दिया। और आज मैं दो विषय के ऊपर संजय जी के साथ बातचीत करूं। पहला बात है ये म्यूचुअल फंड्स का एक ये जो छह जो कार्यक्रम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया, ये बंद हो गया, इसका क्या असर पड़ेगा। और जो दूसरी जो विषय है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, भारतवर्ष में जो भारतीय जो दिवाला और शोधन अक्षमता का जो अधिनियम है, सरकार कहा 6 महीना और 1 साल आप पीछे कर सकते हैं, तो इसका क्या क्या मतलब है, क्या माने हैं और क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर। ये दो विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। संजय जी, धन्यवाद, आपका कीमती समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद परंजॉय जी, अच्छा मुझे आमंत्रित करने के लिए। अच्छा, तो आज हम शुरू करते हैं ये म्यूचुअल फंड। पहले हम संक्षिप्त में बता देते हैं सरल भाषा में ये म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड जैसे एक कार्यक्रम होते हैं जो कंपनी निवेशक से पैसे लेते हैं और अलग अलग शेयर बाजार के अलग अलग स्कीम में निवेश करते हैं, इक्विटी शेयर्स में, डेट शेयर्स में। ऐसे बहुत सारे निवेशक है जिसको मालूम नहीं है कि शेयर बाजार में कहाँ जाना है, कौन सा शेयर देना है, कौन सा कंपनी में निवेश करना है, और एक तरह से वो समझते हैं ये एक जुआरी का अड्डा है, हम क्या करें, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। और उनका अलग अलग लक्ष्य है, कोई लंबा दौर के लिए निवेश करते हैं, को चाहते हैं कि हर महीने में कुछ मिले, तो ये है म्यूचुअल फंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड का बाजार में एक संकट हो गया क्योंकि 23 अप्रैल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया, इनका 6 जो कार्यक्रम है इन्होंने बंद कर दिया। इसमें कितने पैसे था, लगभग 25,000 से ज्यादा, 26,000 करोड़ के बीच में ये सारे पैसे। तो ये संकट कितना गंभीर है इस विषय में आप थोड़ा बहुत आप कहिए, उसके बाद मैं 2-4 सवाल और उठाऊंगा आपसे। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जो हुआ अभी, हमने हाल ही में देखा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 स्कीम सस्पेंड किए हैं। तो मैं थोड़ा सरल तौर से पहले बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड का मकसद निवेशकों के लिए ये है कि वो थोड़ा रिटर्न अधिक प्राप्त करें और लिक्विडिटी भी साथ हो, क्योंकि बैंक तो है ही रिटर्न देने के लिए अगर आप एफडी में पैसा डाले, लेकिन वहां नकदी पैसा वापस एकदम नहीं मिल सकता है। बट म्यूचुअल फंड का ये एडवांटेज था कि कोई निवेशक अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाले तो ना ही थोड़ा बैंक रेट से अगर उनको थोड़ा अधिक रिटर्न मिले, और साथ में जब भी उनको अपना पैसा वापस चाहिए हो कोई मकसद के लिए, कुछ घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदना हो, तो वो नकद, जैसे कहते हैं लिक्विडिटी, नकदी तौर पे उनके लिए अवेलेबल हो। अब सिचुएशन ये हुआ है कि जो अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था जो आर्थिक बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट जो है, वहां पे एकदम पैनिक सा आ गया। जैसे पूरे संसार के सारे फाइनेंशियल मार्केट्स में बिकवाली बहुत हुई थी इस करके जब ये पैंडेमिक को अनाउंस किया गया, और बिकवाली करते करते निवेशकों को ऐसा लगा कि उनको अपना पैसा वापस चाहिए, दे विल फील मोर सेफ इफ दे हैव देयर मनी बैक। और ये वो फिर अलग अलग म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जिसे कहते हैं एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट, कि हमें अपना पैसा नकद वापस चाहिए, तो आप जितना भी हमारा हिसाब बने आप हमें वापस। तो एकदम एक किस्म से एक दौड़ आ गई, जैसे कभी कोई बैंक फेलियर कभी होता है तो एटीएम में एक लंबी सी लाइन लग जाती है। अब मैं हंसी के तौर पे, एज आई सेड अर्लियर, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये नोटबंदी के वक्त भी लोगों ने बैंकों में बहुत लंबी लाइनें लगाई थी और एटीएम उनको पैसा नहीं दे रहा था वापस,
तो एक किस्म से घबराहट सी हो गई थी। अब फ्रैंकलिन टिम्पल्टन ने एक निर्णय लिया, सारी फंड फैमिलियों में से उन्होंने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि जो भी निवेशक उनसे बंधे हुए हैं उनकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वो स्कीम में ना इनकमिंग पैसा लेंगे ना रिडेम्पशन करेंगे, लेकिन वो एनएवी बरकरार वो रहेंगे। और वो कहते हैं कि इसमें कोई विपदा कोई डर होने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे नॉर्मल सी आएगी बाजार में वो इनको लिक्विड करके निवेशकों का पैसा वापस करने में कामयाब रहेंगे। जो एक संस्था है एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि ये चिंता का कोई विषय नहीं है, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, उन्होंने कहा। फिर ये भी हुआ कि ये तो 23 तारीख फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ये घोषणा किया कि 6 कार्यक्रम है ये हम बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया, जो भी आप कहेंगे बंद सस्पेंड जो भी। मगर साथ साथ हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोमवार का दिन 27 अप्रैल का दिन एक अलग कार्यक्रम दिया, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, और ये बहुत 50,000 करोड़ का, और बोला कि 11 मई तक बैंक अगर भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा ऋण लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और 90 दिन तक ये म्यूचुअल फंड्स को उनका जो भी संपत्ति है जो एसेट्स है उसको कोलैटरल रख के उसको ऋण दे सकते हैं। तो एक तरह से लोगों को बहुत लोग समझा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह से ये कदम उठाया क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के बाद और भी म्यूचुअल फंड अपने जो स्कीम्स है वो बंद कर दें, सस्पेंड कर दें, और अखबार में रिपोर्ट आ रहे थे ये वाला वो वाला, बहुत सारे स्कीम्स में कुछ संकट आया, ये खबर अखबारों में आ रहे थे। तो ये जरा आप समझा दीजिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो कदम उठाया और ये क्यों उठाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जो टैप खोला है ऑन टैप 50,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड्स के लिए कि वो ऋण लेकर अपनी रिडेम्पशन मीट कर सकते हैं इज रियली अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। और फ्रैंकलिन का ये निर्णय लेना, इन लोगों ने पारदर्शिता से क्लैरिफिकेशन दिया है। देखिए मैं इनके लिए कोई ब्रीफ नहीं होल्ड करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने निर्णय लिया है फ्रैंकलिन ने और बाकी फंड फैमिलियों में सबसे पहले ये निर्णय लिया है, ये सही है या गलत है ये वक्त बताएगा, लेकिन ये एक अजीब है क्योंकि जो रिजर्व बैंक का ऑन टैप है अब ये इनके 6 स्कीम्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये पहले अनाउंसमेंट, आप सही कह रहे थे, बंद करने का अनाउंसमेंट किया है और अब ये सिर्फ ये वापस करेंगे। इट्स नॉट रियली अ सस्पेंशन, क्योंकि अब ये स्कीम्स उस तरीके से चलेंगे नहीं जैसे ये पहले चला रहे थे। इनमें जो एसेट्स हैं अलग बॉन्ड्स अलग अलग कंपनियों के, वो एज इनकी मैच्योरिटी जब होगी और वो कंपनियां ये ऋण वापस पे करेंगे फ्रैंकलिन को, वो निवेशकों को अपना पैसा देंगे। अब ये मैं एक चीज ये लाना चाहता हूँ, एक प्राचीन काल में हमारे एक चाणक्य का नाम तो सबने सुना होगा, कौटिल्य चाणक्य, उन्होंने एक बहुत मशहूर उनकी कहावत है कि आप इतने भी ईमानदार ना हो कि दुनिया आपको काटे। वो कहते हैं कि सबसे सीधा वृक्ष जो होता है वो सबसे पहले कटता है। अब ये बात फ्रैंकलिन को लागू है या नहीं है ये वक्त बताएगा हमें। अच्छा, लोग कहते हैं संजय जी कि एक कारण कि आज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इस स्थिति में आ गए हैं, उनका 6 कार्यक्रम मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि इन्होंने गलत कंपनी में निवेश किया, और इसमें दो नाम है,
एक है DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड। वो जानते हैं उनका जो मालिक का कितना विवाद में है, कंपनी एकदम डूब गया और वो भी अभी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में आ गया। एक और कंपनी का नाम, एक और ग्रुप के नाम बताया, SL ग्रुप, जी ग्रुप, जी जिसका जो एकदम ऊपर में है वो है सुभाष चंद्र, वो भारतीय जनता पार्टी का वो सांसद भी है राज्यसभा में। तो एक अखबार में मैं पढ़ रहा था एक लेख कि आज ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया का ये हालत हो गया क्योंकि इस तरह से कंपनी और ग्रुप में इन्होंने निवेश किया। ये आपने सही फरमाया, इन ग्रुप्स में और भी फंड्स फंड जो फैमिली है उन्होंने निवेश किया है फ्रैंकलिन, लेकिन इस बात से ये बाजार में माना जाता है कि इन लोगों ने जो सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी, जो जैसे कहते हैं लिक्विडिटी क्रिएट की है AA पेपर से कम, मतलब बहुत जिसका AAA माना जाता है कि जिसका क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, और उससे नीचे अगर कंपनी का ऐसा बिजनेस हो जो इतना सॉलिड ना हो तो उसकी क्रेडिट रेटिंग फिर थोड़ा नीचे आती रहती है, बट उसमें निवेशकों को रिटर्न ज्यादा मिलता है। सो दे हैड सॉर्ट ऑफ मेड अ नेम, अपना नाम उन्होंने बनाया मार्केट में कि हम AA पेपर से भी कम हमें आता है निवेश करना, और इस करके कभी कभी गलत निवेश गलत कंपनियों में भी हो चुके हैं। मैं एक तीसरी कंपनी, इन्होंने फ्रैंकलिन ने कुछ समय पहले फरवरी में, अगर ये कोई चिन्ह था निवेशकों के लिए, आइडिया वोडाफोन जो इनका निवेशक था, उन्होंने अपना ऋण का पेमेंट सस्पेंड कर दिया बाजार में। तो फ्रैंकलिन ने जो इनमें निवेश किया था म्यूचुअल फंड द्वारा, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक ये आइडिया वोडाफोन का ऋण वापस नहीं आता है उसको हम सेपरेट करके पोर्टफोलियो में शून्य वैल्यू दिखाएंगे निवेशकों के लिए। फिर से पारदर्शिता की तरह, बट पारदर्शिता का कभी इतना फायदा नहीं होता अगर आप निवेशकों को ये बोलते रहो कि आपका ये लॉस है, वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम इसको अलग करें, ये गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, बट हम आपको बता रहे हैं ये, और हम आपको ये शून्य वैल्यू आपके पोर्टफोलियो से निकाल के अब आपका रिटर्न थोड़ा डिप करेगा। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अब दशक हो गए, मतलब 30-40 इयर्स से ज्यादा हो गया है इंडिया में भी, और फ्रैंकलिन भी एक ग्लोबल कंपनी है और इंडिया में काफी समय से इन्होंने अपना रेपुटेशन बनाया और काफी निवेशकों को रिटर्न अच्छा भी दिया है सालों साल। नाउ अगर किसी को लाइफ में, अब हम सबको ये बात समझ में आ रहा है कि एक सिक्के का दो पहलू होता है, रिस्क होता है और उसका दूसरा पहलू होता है रिटर्न। अगर किसी को बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है तो वो अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखे, उसको 3-4% इंटरेस्ट मिलेगा और नकदी रहेगा उसका पैसा, मींस मनी विल रिमेन लिक्विड। सो दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर कि अगर हम ज्यादा कमाना चाहते हो तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि रिस्क भी लेना पड़ता है। और मेरा आखिरी सवाल है कि ये आपका संकट, आप समझ रहे हैं कि ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन स्कीम में जो संकट हुआ ये एक तरह से एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है आप समझेंगे, और इसका ये पूरा म्यूचुअल फंड सेक्टर में नहीं फैल जाएगा, यही आपका कहना है, ये आप मानते हैं? इसे कहते हैं क्रिस्टल गेजिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, आगे वाला समय क्या लाएगा हमारे लिए और भविष्यवाणी क्या नहीं। तो बट उम्मीद यही है कि सरकार की ओर और रेगुलेटर की ओर से सही कदम लिया जाएगा और बाजार में जो निवेशकों का पैनिक ना हुए ये रुके, और इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा हमें, हमारी सरकार को पॉलिसीज बनाने के लिए आगे वाले समय के लिए, कि हम ये बॉन्ड मार्केट को कैसे लिक्विड रखें। इन चीजों में काफी मतलब सलाफर वो होगा। संजय जी, अब थोड़ा बहुत हम बात करते हैं इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड,
जो मई 2016 में भारतवर्ष के लोकसभा राज्यसभा में ये एक कानून बन गया। ये हिंदी में आप कहेंगे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम या कोड। यानी कि एक कंपनी जब तकलीफ में पड़ जाते हैं, इसको बचाना और बैंकों का पैसा और छोटा छोटे छोटे जो निवेशक है इसको पैसा बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर हम सरल भाषा में समझाएंगे तो बहुत सारे हमारे देश में कानून थे, इसको इकट्ठा कर दिया सरकार ने 2016 में, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जो उत्पादन शुल्क है, जो आयकर है, इनकम टैक्स कानून है, जो आपका सिका है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, जो बीमारी का जो कंपनी जो जिसमें बीमारी है उसको बचाने का, और भी ऐसे बहुत सारे, एक है बड़ा लंबा नाम है सफरेसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये लंबा चौड़ा बात है मगर साफ बात है ये कानून का क्या एक उद्देश्य था कि एक जगह में आके आप छोटे निवेशक का हित में आप काम करेंगे, बैंक जो नुकसान में है बैंक के हित में काम करेंगे, एक सिंगल एक अधिनियम हो जाएगा, एक कोड बन जाएगा और कहीं भी बैंकों कंपनी ने बैंकों का 90 दिन के लिए पैसा वापस नहीं देंगे तो ये सीधा चले जाएगा एक रेजोल्यूशन प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड, और चला जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बाद, उसके बाद एक राष्ट्रीय कंपनी कानून का जो न्यायाधिकरण है और उसके बाद एक और अपेलेट ट्राइब्यूनल है। ये लंबा चौड़ा मैंने आपको बात कर दिया मगर सवाल और कुछ है। सरकार ने कह दिया कि एक आर्थिक संकट के समय हम लोग गुजर जा रहे, ये पूरा जो आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये दिवाला जो कानून, दिवालिया का जो कानून है, ये 6 महीने के लिए आप बंद करके रखिए, 1 साल तक जा सकते। संजय जी आप जरा समझा दीजिए इसका मतलब क्या है, इसका माने क्या है और अर्थव्यवस्था में इसका क्या असर पड़ेगा। रंजन इसका मैं कुछ तो बैकग्राउंड देता हूँ। कुछ वर्ष पहले जो आर्थिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जैसे आपके, उन्होंने ये एक्सपोज किया मैटर भारतीय कंपनियों का जो ऋण बैंकों से, जिन्होंने ऋण बहुत मात्रा में लिया हुआ था और वो ऋण वापस आ नहीं रहा था। और बेसिकली क्योंकि हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक्स है, इनडायरेक्टली ये टैक्सपेयर का पैसा इन कुछ उद्योगपतियों के जेब में जा रहा था और वो अपना वो कंपनी को बैंकरप्ट करके वो इधर उधर बाहर इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया। तो ये बहुत ही काम किया गया है भारतीय हमारे जो मीडिया वाले लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके, ये कहानियां जब वापस ये बाहर आई हैं तो गवर्नमेंट में बहुत चर्चा हुई और फिर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये आईबीसी कानून लाया गया कि ये एनपीए क्राइसिस को हम कैसे सॉल्व करें। एनपीए भाषा में आप कब समझा दीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कंपनी कंपनी ने ऋण लिया बैंकों से और वापस नहीं दिया। जी बिल्कुल उस प्रकार से। तो आईबीसी के हुए अभी 2 या 3 वर्षों में कुछ सफलता प्राप्त की गई कि ये पैसा बैंकों में कंपनियों को दोबारा चालू किया गया। कुछ ऐसे स्टील कंपनी थे जिन्होंने हजारों करोड़ कंपनी बैंकों से पैसा मैं आपको दो उदाहरण भी दे सकता हूँ। एसआर स्टील 42,000 करोड़, भूषण स्टील 36,400 करोड़, और भी ऐसे कंपनियां, इलेक्ट्रो स्टील और भी कंपनियां। आज तो लाखों करोड़ों रुपए का ऋण जो आम जनता और आम आदमी का टैक्स और मेहनत की कमाई से जो टैक्स सरकार को मिलता है और वो बैंकों को फंड करते हैं, ये चंद लोगों ने ये पूरा सिस्टम बिल्कुल, मतलब सिस्टम को बिल्कुल
खराब कर दिया सिस्टम को। तो ये आईबीसी का मकसद ये था कि हम इस सिस्टम को रिपेयर करें, और लेकिन ये मैटर जब यू नो अगर लॉकडाउन हो और कंपनी बिल्कुल इकोनॉमी बिल्कुल जीरो पर आ जाए और कोई सेल ना हो, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये फिर ये व्यू लिया कि अभी कुछ कंपनी जो डिफॉल्ट कर रही हैं उनको कुछ और समय दिया जाए, ताकि जब हम लॉकडाउन धीरे धीरे वापस नॉर्मलसी पर आए और कंपनियों की सेल दोबारा वापस आए और उनको क्षमता हो वापस ऋण देने का, तो ये थोड़ा उनके लिए फेयर रखे, ना कि उनको पूरी तरह से नष्ट कर दें। ये मकसद नहीं है, आईबीसी का मकसद ये है कि लोगों के रोजगार बने रहें, फैक्ट्रियां चलती रहें, और पुराना मैनेजमेंट अगर उन्होंने ठीक से चलाया नहीं है या बेईमानी से चलाया हुआ है, उनको बदल के एक नया ईमानदार मैनेजमेंट वहां आके इन कंपनियों को चलाए और आगे इनको ग्रो करे। तो आपका मतलब है कि जो निर्मला सीतारामन जी हमारा वित्त मंत्री ने किया ये आर्थिक संकट के समय, ये ठीक है? क्योंकि एक और राय लोग को हो सकता है कि ये इसका फायदा कुछ लोगों को मिलेगा जो वैसे बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मगर इसका नुकसान किसके पास आएगा? जैसे आपने कहा सरकारी बैंक, और सरकारी बैंक का मतलब कौन है? सरकारी बैंक का मालिक आप हैं, मैं हूं, आम आदमी है। तो ये 6 महीने का छूट, 1 साल तक आप इनको छूट दे रहे, इसका जो जो बड़ा जो समस्या है, जो एनपीएस का, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का है, जो बैंक से आपने ऋण लिया, सरकारी बैंक से आपने पैसा लिया और वापस नहीं दिया, आपने ब्याज दर भी वापस नहीं दिया, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और आप कुछ लोगों को तो नाम आ गया, 2-4 नाम मैंने किया, एसआर स्टील, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, इसमें एमटेक ऑटो है, भूषण पावर है, अलोक इंडस्ट्रीज है, लैंको इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी नया नया नाम है जैसे जेट एयरवेज, यस बैंक, दीवान हाउसिंग, DHFL, रिलायंस कम्युनिकेशंस, इन लोग का भी नाम है। मगर जो बड़ा जो समस्या है, जो एनपीएस का जो समस्या है, जो एक समय 10 लाख करोड़ तक चले गए थे, थोड़ा बहुत कम हो गया। 10 लाख करोड़ का मतलब क्या है? हमारा GDP 200 लाख करोड़ है, तो इसका मतलब 5% पूरा हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद GDP का 5% ये अटक गया है एनपीएस में। तो आप, मैं थोड़ा बहुत ये बिग पिक्चर, जो बड़ा जो छवि है, जो पूरा जो अर्थव्यवस्था का जो संकट चल रहा है, इसमें आप यू कॉन्टेक्स्टुअलाइज द रीसेंट डिसीजन इन दैट बिगर कॉन्टेक्स्ट। संजय जी, रोंजो, इट नो डाउट अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और जैसे आपने बताया जीडीपी का 5% ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट रह चुका है। तो आप ऐसे, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है और हमारा पर कैपिटा इनकम है, और अभी भी इतनी गरीबी है, इसके डल डल से निकलने का फिर गुंजाइश बहुत कम हो जाता है अगर ऐसी चीजें होती है। और ये सालों साल ये प्रॉब्लम रहती है, हमारी विदेशी मुद्रा बाजार में इंडियन रुपी की कोई वैल्यू नहीं रहती है, लोग मानते नहीं है इस बात को, और एक ये विश्वासघात और विश्वास टूटने वाली बात है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये एक बहुत ही कोविड जो सिचुएशन, ये किसी ने देखी नहीं थी, तो मेरा ख्याल थोड़ा ब्रीदिंग ग्राउंड देने के लिए कुछ देखिए ऐसा है कि आईबीसी जो आया था, ये 3 सिद्धांत थे, 3 प्रिंसिपल इनको लाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 3 प्रिंसिपल में से ये एक प्रिंसिपल है, कि जो बाकी 2 हैं कि बिजनेस शुरुआत करने में आसानी होनी चाहिए, बिजनेस चलाने में आसानी होनी चाहिए, लाइसेंस कोटा राज नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए, और यदि किसी ने ईमानदारी और पूरी मेहनत से कोई बिजनेस चलाया हो लेकिन कंपटीशन में वो बिजनेस फेल हो चुका है, ये नहीं कि बेईमानी से फेल हुआ, कॉम्पिटिशन में फेल हुआ है, तो एक उसे इजी एग्जिट दे, ये 3रा इसका सिद्धांत था। इस करके मेरा ख्याल वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो NCLT में जो नए डिमांड नोटिस फाइल किए जाएंगे, उनको 6 महीने का
छूट दे दें। और इसमें एक्चुअली कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एनसीएलटी में अब जो कहते हैं ना बाकी कोर्ट, जैसे इंडिया के बाकी कोर्टों में तारीख पे तारीख आने लग रही थी, एनसीएलटी में जब ये कानून पहले शुरुआत हुआ था तो तब तो बहुत तेजी से मैटर चलते थे, और आज की डेट में अब ये मैटर फंसने लग गए हैं बाकी कानूनी कार्रवाई की। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि थोड़ा ये बैकलॉग, ये 6 महीने का समय जो हमें मिलेगा, कोर्ट का भी बैकलॉग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। समराइज करना चाहता हूं आप जो कहा, कि कहना अभी मुश्किल है, समय बताएंगे कि ये जो सरकार जो कदम उठाया इसका फायदा होगा कि नहीं अर्थव्यवस्था के ऊपर। कैन आई समराइज यू इन दिस मैनर? आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आई 100% अग्री विद यू। और समय ही बताएगा कि ये जो कदम लिए हैं सरकार ने, ये सही कदम है इस संकट के समय में, या ये देश को महंगे पड़ेंगे। धन्यवाद संजय जी, यहीं पे हमारे बातचीत हम खत्म करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द व्यूअर्स आई थैंक यू। और आप लोग संजय कोहली के बात सुना है, दोनों विषय के ऊपर बात किया, एक था वो म्यूचुअल फंड्स और दूसरी है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक।